सब्सक्राइब कीजिए जीएस फोरम विद वीके मिश्रा चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दबाइए बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जीएस फोरम और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्रा। अभ्यास सीरीज के सातवें वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े उन 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके टीजीटी 2016 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज का पहला सवाल है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव इंग्लैंड की संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो टॉमस हेयर ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है कि मत देने का अधिकार उन्हीं को प्राप्त होना चाहिए जिनमें बौद्धिक योग्यता की एक सुनिश्चित मात्रा विद्यमान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जेएस मिल का। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रॉबर्ट मिचेल ने निम्नलिखित में से किस एक दल का गहन अध्ययन कर अपने वर्गतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया था? तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सही जवाब 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का पोषक है? तो जे एस मिल। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्श परक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो बाटो मोर इसका सही जवाब होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, तब वह आधारशिला रखते हैं? आधारशिला तब रखेंगे प्रत्ययवाद की। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्स के दर्शन का एक पक्ष है? तो मार्क्स के दर्शन का एक पक्ष है इतिहास की आर्थिक व्याख्या करना। 3 जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अब तक के वर्तमान समाजों का इतिहास का संघर्ष का इतिहास रहा है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य शोषण का एक उपकरण है। 4 जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है। 2 जवाब सही हो। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि निम्नलिखित में से किस बिंदु पर फांसीवाद और साम्यवाद एक मत हो जाते हैं? तो वे सर्वाधिकारवादी राज्य के पोषक हैं। सही जवाब 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया था? तो वो जवाब है ग्रीन ने। क्वेश्चन 13 में है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी का संबंध स्वदेशी आंदोलन से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल का लेखक है? तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। 4 जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को जानते हैं। 4 जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो पहला जवाब देखें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सही जवाब होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
क्वेश्चन 19, भारतीय स्वाधीनता अभियान को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, जुलाई 1947, दूसरा जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम बताना है। तो इसमें चार घटनाएं दी गई हैं, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आप सही क्रम लगाएंगे तो 1, 2, 3, 4 होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, पहला जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण की योजना अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है, तो ये सही जवाब होगा कनाडा। कनाडा के संविधान के अनुसार ही हमारे भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जवाब हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 23 में है, मंत्रिमंडल एक संयोजक रेखा है जो राज्य के विधायी भाग को उसके कार्यपालिका भाग से बांध देती है, यह कथन किसका है, तो बेजहार्ट का यह कथन है, चौथा जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कौन इस दृष्टिकोण का है कि सामान्यतः स्वतंत्र संस्थाओं की यह एक आवश्यक शर्त होती है कि सरकार की सीमाएं मोटे तौर पर राष्ट्रीयताओं की सीमाओं के अनुरूप होनी चाहिए, तो एक्टन का यह दृष्टिकोण था, पहला जवाब सही होगा। क्वेश्चन 25 में है, संघात्मक राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों को विरुद्ध संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को हम क्या कहते हैं, तो इस शक्ति को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन 26, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच, इस पुस्तक का लेखक है ग्रोबियल आमंड, पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल और एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, किस देश की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता इंगित करती है, तो यह विशेषता आपको फ्रांस के शासन व्यवस्था में देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 28 में, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करना, उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, तो आर्टिकल 51 का पहला पार्ट होगा, विकल्प तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है, भारत का संविधान अस्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, लेकिन यह आज़ादी अंतर्निहित होती है आर्टिकल 19 के पहले खंड के ए पार्ट में, इस तरह सही जवाब हो जाएगा विकल्प एक। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक ऐसी रिट या याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को हम क्या कहते हैं, तो इस रिट को हम मैंडमस कहते हैं, दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निवारक विरोध द्वारा अवरोधित होती है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा वाला विकल्प सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 32 में है कि भारत में कुल मिलाकर मूल अधिकार, तो तीसरा जवाब देखें, उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 33 में होगा कि ग्रीन के अनुसार अधिकार क्या होते हैं, तो ग्रीन के अनुसार अधिकार कानून द्वारा प्राधिकृत विशेष सुविधाएं हैं। इस प्रकार दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारत की संघीय व्यवस्था तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में एक समान तत्व नहीं है, तो न्यायपालिका के गठन का जो स्वरूप है वो अमेरिकी और भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नहीं है। इस प्रकार विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि संविधान के बिना एक राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह कथन किसने कहा था, तो ये कथन है जेलिनेक का, दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत में राज्य विधान परिषद द्वारा प्रयुक्त शक्तियां किस प्रकार की हैं, तो वो परामर्शात्मक प्रकार की शक्तियां होती हैं, दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया था, तो इसका केसी वियर होगा, जवाब नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है, तो आर्टिकल 75 इसका सही जवाब होगा, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 39 में है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो विकल्प 3 सही होगा, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित निषेधाधिकारों शक्तियों में से कौन भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है, तो संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, विकल्प संख्या 1 सही होगा। 41 में है, किस देश के राज्याध्यक्ष को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, विकल्प 1 भारत में। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, विकल्प संख्या 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करने के प्रयोजन में भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित हुआ है, तो जर्मनी के वायमर संविधान से, विकल्प संख्या 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है, एक धन विधेयक नियमतः संसद के केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु यदि धन विधेयक की प्रकृति के संबंध में कोई विवाद है तो निम्न में से कौन उसकी प्रकृति को निर्धारित करने की सत्ता रखता है, तो इसका सही जवाब होगा, विकल्प संख्या 4 लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नमनीय और विकसित है, नमनीय का मतलब लचीला है, तो विकल्प संख्या 2 में होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है, तो इसका आशय है कि इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है, तो आर्टिकल 14 में है, अनुच्छेद 14 के तहत, विकल्प संख्या 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो
चौथा विकल्प आप देखें, सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार रखता है, विकल्प संख्या चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किस एक का न्यायिक पुनरावलोकन होता है, तो उपरोक्त में से किसी का नहीं होता है, विकल्प संख्या चार सही होगी। क्वेश्चन 50 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सही जवाब होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि किसने दलों के विचारों के दलाल के रूप में परिभाषित किया है, तो इसका सही जवाब है लॉवेल, विकल्प संख्या चार सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में है, संसदात्मक व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और उसे सदैव जीविका प्रदान करती है, यह किसने कहा है, तो ये लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, विकल्प तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा विकल्प सही होगा, राज्य एक नैतिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य नहीं है, तो सरकार निर्माण के लिए चुनाव करना, ये दबाव समूह का काम नहीं होता है, विकल्प संख्या एक सही होगी। क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज प्रणाली लागू की थी, तो आपको याद होगा राजस्थान, विकल्प संख्या एक। क्वेश्चन नंबर 56 में है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्न में से कौन से दो अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प संख्या एक, आर्टिकल 245 और 246। क्वेश्चन नंबर 57 में है, भारतीय संविधान का 79th अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसका संबंध किससे है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से बारे में। क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा चार। क्वेश्चन नंबर 58 में है, प्राकृतिक अवस्था शांति सुरक्षा पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी, उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले दंडाधिकारियों का अभाव था, तो प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का चित्र किसने प्रस्तुत किया है, विकल्प होगा चौथा, लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है, तो हीगल, विकल्प संख्या चार। क्वेश्चन नंबर 60 में है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेंथम के नाम से जुड़ा हुआ है, तो पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्य पाठ है, इस प्रकार विकल्प संख्या दो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि का तात्पर्य क्या है, तो प्राकृतिक विधि का तात्पर्य हॉब्स के अनुसार है विवेक की एक सन्मति, विकल्प संख्या तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि हॉब्स किस प्रकार का विचारक था, तो हॉब्स एक उदारवादी विचारक था, विकल्प संख्या चार। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा समाप्त कर देती है, तो सामाजिक संविदा समाप्त कर देती है, इसका सही विकल्प आप देखें तो चौथा होगा, उपर्युक्त में से किसी को भी नहीं, सही जवाब चौथा होगा। क्वेश्चन 65 में है कि थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस एक को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है,
तो सामाजिक संविदा सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, निरंकुश शासन विकल्प एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि जब लॉक सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तब वह आधारशिला रखते हैं प्रजातंत्र की। अगला सवाल है 67, रूसो द्वारा वर्णित सामान्य इच्छा की अवधारणा पूर्णतः उपेक्षा करती है प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र के हितों की, विकल्प संख्या तीसरा सही होगा। क्वेश्चन 68, सामाजिक अभियंत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी चिंतक कौन था, कार्ल जे पॉपर, विकल्प संख्या दो। क्वेश्चन 69, किसने कहा है कि राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अपराध का अस्तित्व होता है, स्पेंसर का कथन है, विकल्प संख्या दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा से संबंध रखता है, तो इसका संबंध है स्पेंसर, विकल्प चार। क्वेश्चन नंबर 71 है, लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है, यह ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती है, यह कथन किसका है, तो अलेक्जेंडर पोप का कथन है, विकल्प संख्या दो। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हॉब्स के अनुसार, विकल्प संख्या चार देखें, संप्रभुता जो है वो कानून से ऊपर है, विकल्प चार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि हॉब्स ने शासक की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया इस आधार पर कि मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण तथा झगड़ालू होती है, विकल्प संख्या चार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में है, युद्ध के विषय में टीएच ग्रीन ने कहा है कि वह राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, विकल्प आपका चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में है, प्लेटो के रिपब्लिक का अंतिम संदेश क्या था, दार्शनिक सम्राट के शासन की स्थापना करना, विकल्प संख्या एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में है, प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य क्या है, तो प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य है महिलाओं की स्वतंत्रता, विकल्प संख्या चार। क्वेश्चन नंबर 77 में है, हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है किस पर, तो विकल्प संख्या दो आप देखें, वैज्ञानिक भौतिकवाद पर। क्वेश्चन नंबर 78 में है, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा जाता है क्योंकि वह समझता है कि बौद्धिक आत्मरक्षा समझौता चाहती है, विकल्प संख्या दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 में है, रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा विकल्प, सामान्य हित की सामान्य चेतना का, विकल्प चार। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि यथार्थ इच्छा वास्तविक इच्छा है तथा वास्तविक इच्छा यथार्थ इच्छा है, यह कथन किसने कहा है, तो हाबहाउस का कथन है ये, विकल्प संख्या दो। क्वेश्चन 81 में है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत कैसा है, तो कुलीन तंत्रात्मक है, विकल्प संख्या दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में है, व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार है, यदि संप्रभु व्यक्ति को यह आदेश दे कि वह अपनी हत्या कर ले, अपने को घायल कर ले, अथवा अपना अंग भंग कर ले, अथवा उनका प्रतिरोध न करने का आदेश दे जो उस पर हमला करते हैं, तथा उसे भोजन, वायु, औषधि अथवा किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करने से मना करे जिसके बिना वह जीवित रह सकता है, तो इस कथन का संबंध किससे है, तो इस कथन का संबंध है हॉब्स से, विकल्प संख्या दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में है, किसने व्यक्ति की वास्तविक इच्छा तथा यथार्थ इच्छा में अंतर किया है, तो रूसो ने किया है, विकल्प चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में है, स्वयं के ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति प्रभुसत्ता संपन्न है, यह कथन किसका है, तो जे एस मिल का कथन है।
क्वेश्चन नंबर 85 में है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है केवल एक वर्ग विशेष पर लागू होता है, विकल्प संख्या 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में है, कौन प्लेटो को मुक्त समाज का एक शत्रु मानता है, तो कार्ल पापर, विकल्प संख्या 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में है कि निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का कथन है, तो इसमें है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, विकल्प संख्या 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उचित कार्य करने की सकारात्मक शक्ति है, विकल्प 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं है बल्कि शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है, यह कथन किसका है, तो यह कथन रूसो का है, विकल्प संख्या 3। अगला और अंतिम सवाल है, किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये है कथन बेंथम का, विकल्प संख्या 4। साथियों, ये था आज के 90 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके TGT 2016 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।